गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे छात्र छात्राओं, देखिए अब हम प्रश्नावली कौन सी पढ़ रहे थे, 9.3 पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.4, जिसके अंतर्गत पहला सवाल है द्विपदों को गुणा करना। आखिर द्विपद क्या होते हैं? यहाँ हम देख रहे हैं द्विपद। द्विपद का अर्थ क्या होता है? दो पद होंगे, इनका गुणा करना। गुणा करने की दो विधियां होती हैं, पंक्ति विधि होती है और स्तंभ विधि। यहां पर हम पंक्ति विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पंक्ति विधि ज्यादा सिंपल होती है। तो देखिए क्या करना पड़ता है। पहले यहां से 2x लिया, इसके साथ में 4x-3, फिर ये 5 लिखा, 4x-3। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों ने कक्षा 7 में भी पढ़ा था। अब देखिए आगे हल करना है, बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, 2 × 8x² - 6x प्लस 5 × 20x - 15। क्या हुआ? 8x² ये 6x और 20x, ये दोनों कैटेगरी के हो गए, एक ही जाति हो गए, सजातीय राशि हो गई। तो सजातीय राशि या तो आपस में जुड़ती है या आपस में घटती है। समान चिन्ह की होती तो जुड़ जाती, असमान चिन्ह की है तो घट जाएगी। कितना हुआ? माइनस का 14x - 15, यही हमारा इसका आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल है। अब और देखिए एक सवाल, y-8 3y-4। y लिया 3y-4, माइनस का 8 लेंगे 3y-4। तीन लाइन का सवाल है, सारे सारे 3 × 4 y को y से करेंगे, 3y² - 4y। फिर आगे 8 × 3 = 24, कितने y। अब यहां पर बताइए ये प्लस क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये माइनस क्या बन गया? प्लस, 8 × 4 = 32। अब देखिए 3y², ये दोनों जुड़ गए, 24 और 24, ये 4, ये कितने हो गए? 28y + 32। ये हमारे इसका सेकंड सवाल का आंसर हो गया। थर्ड लेते हैं, 2.5 है, वही सिंपल तरीका। करना क्या है? 2.5n कोष्टक 2.5n प्लस 0.5m, फिर माइनस 0.5m के साथ में 2.5l प्लस 0.5m। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे, 6.25 n² प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे, 25 = 125, यानी कि 1.25 lm माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे, 1.25 lm माइनस, गुणा किया 0.25 m². ये संख्या प्लस की ये संख्या माइनस की तो कट गई, क्या आंसर आ गया? 6.25 m² - 1, ये तो कट गए, क्या बचा? 0.25 m². गौर से देखिए इस सवाल को भी, आप एक मिनट के लिए देखिए,
ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। अब सवाल नंबर चार, लास्ट सवाल देखिएगा, यहां पर क्या आ गया, बट्टे में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, घबराने का काम नहीं है हमारे पास में। अब मैं इसको यहां मिटाकर यहां लिखता हूं, इसको आपकी सुविधा के लिए, तीन बट्टे चार ए स्क्वायर प्लस तीन बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में चार ए स्क्वायर माइनस दो बट्टे तीन बी स्क्वायर। अपनी सुविधा के लिए हम देखिए क्या करते हैं, हाँ तो क्या किया पढ़ने, तीन बट्टे चार ए स्क्वायर प्लस तीन बी स्क्वायर, इसको गुणा कर दी चार से अंदर, चार ए स्क्वायर माइनस आठ बटे तीन बी स्क्वायर। अब वही सिंपल तरीका देखिए, तीन बटे चार ए स्क्वायर कोष्टक चार ए स्क्वायर माइनस आठ बटे तीन बी स्क्वायर। अब तीन बी स्क्वायर से गुणा कर दीजिएगा, तीन बी स्क्वायर कोष्टक चार ए स्क्वायर माइनस आठ बटे तीन बी स्क्वायर कोष्टक बंद। अब देखिए, अब यहां पर और देखिए गौर से क्या करना है। चलो आप लोगों के सुविधा के लिए मैं ये लू, अब देखिए अच्छी तरह, तीन बटे चार ए स्क्वायर गुणा चार ए स्क्वायर माइनस तीन बटे चार ए स्क्वायर गुणा आठ बटे तीन बी स्क्वायर, पहले से हो गए, अब दूसरे से गुणा कर दीजिए, प्लस तीन बी स्क्वायर गुणा चार ए स्क्वायर प्लस तीन बी स्क्वायर गुणा माइनस के हैं गए आठ बटे तीन बी स्क्वायर। अब देखिए चार से चार कट गए, हमारा क्या आया, तीन ए की पावर है चार माइनस चार से आठ, दो बार कट गए, तीन से तीन कट गया, आप लोग देख रहे क्या बचा, दो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर प्लस के चार तीन बारह ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तीन से तीन कट गए माइनस के आठ बी स्क्वायर बचा। अब आप इसके आंसर निकालना है आप लोगों को, तो निकालिए क्या बच गया, देखा कोई भी क्या बचा, तीन ए फोर माइनस या प्लस के दस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के आठ बी स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा सवाल था ये, हमारा सवाल हो गया। यहां देखना बी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर बी की पावर है चार हो गई है, यही हमारा इसका आंसर हो गया।